आप लोगों ने तो सभी ने सुना होगा, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, पर यहाँ पे आपको इसके कवर से ही आपको पूरे बुक को जज करना होगा। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स संतोषी। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि ये फाइल इतना ज़्यादा इनोवेटिव है कि आपको देख के ही अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी है इसमें। चलो अब क्रिएटिविटी लेवल भी देख लो क्या है। देखो मैम ने काफ़ी अच्छे से इसको कटिंग करके उसको पेपर में डेकोरेट किया, और ये काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग है, और उसको पूरे EPC को उसी में करके बनाया जो कि हम लोगों ने तो नहीं बनाया था। एंड शी रियली डिड अ हार्ड वर्क, वो चीज़ आपको इस वीडियो में आराम से दिख जाएगा। जैसे कि मेरे बातों से अगर आप बोर हो रहे हो तो चलो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू देखो, देन आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत हुआ है इस पर। और हमारे जो जूनियर्स हैं ना, प्लीज़ इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आपको अपने टाइम पे बनाने का अच्छा अच्छा आइडिया मिल जाए। सो स्टे ट्यून और देखो आगे तक वीडियो। अच्छा ये बताओ, लग रहा है ना बिल्कुल प्रोफेशनल वाला, पूरा कटिंग शटिंग करके, और ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमारे बीएड के स्टूडेंट हैं, और ये कला जो है ये बीएड में ही आके इनको मिल गया है। और लिटरली मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहती हूँ, जो भी APC बनाया ना, सच में बहुत मेहनत किया है सभी लोगों ने बराबर का, और मेहनत भाई दिख रहा है, और इनका मेहनत तो आप देख ही रहे हो किस तरीके का लग रहा है। डियर जूनियर्स, ये वीडियो देख लो और सेव कर लो नेक्स्ट टाइम के लिए, इससे भी बेटर आप आइडिया लाओ या इतनी भी आइडिया लाओ सो दैट कि आपका भी फाइल अच्छा रहे। EPC में थोड़ा वर्क करना होता है क्योंकि हमें इसमें मार्क्स मिलता है, सो बी प्रिपेयर। और हाँ, इनका वीडियो अपलोड करने से ये आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोग को थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे, एंड यू डेफिनेटली यूज़ इट, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। इस वीडियो में कंटिन्यू रहना ताकि तुम्हें और भी कुछ देखने को मिले और सीखने को मिले। हर पेज में अलग अलग आर्ट है जो आपको इस वीडियो में पूरे रहने के बाद ही आपको दिखेगा, और देखो और बताओ कैसा लगा। ऐसे मेरी बातों से अगर बोर हो रहे हो ना तो अवॉइड करो मेरी बातों को और इसको देखो, सिर्फ देखो समझो किस तरीके से बनाया गया है और किस तरीके से मैम ने इसको रिप्रेजेंट किया है, सो दैट कि आपको हेल्प मिले सबसे अच्छे तरीके से। अच्छा सुनो, जाते जाते इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट कर देना और मैम के लिए थोड़ा तारीफ लिख देना क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और बताओ कैसा लगा ये वीडियो, लास्ट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना ताकि आप जैसे ही लोग और लोगों को बता सके कि ऐसे भी बनाया जा सकता है। हेलो, वीडियो के एंड पार्ट में है और कुछ थोड़े से टॉपिक्स बाकी हैं, तो उसे देखो और लास्ट तक बने रहो जिसके वजह